अपने माँ बाप से मुझे पावर मिलती है, और मंत्रा मेरा सिर्फ ये है कि मैं दिमाग से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, दिल से काम करता हूँ। सो हे गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो यहाँ पे हनी थ्री पॉइंट में किसका म्यूजिक होने वाला है, कौन कौन से आर्टिस्ट होने वाले हैं साथ में जिन्होंने म्यूजिक दिए हैं, उन सब की यहाँ पे यूएन सिंह ने कल एक जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि इसमें होमी दिल्ली वाला, बेस योगी, और यहाँ सेंजोइड को आप जानते नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूँ, सेंजोइड ने गुरु रंधावा एल्बम में जितना भी म्यूजिक है सब म्यूजिक प्रोड्यूस सेंजोइड ने किए हैं, और बाकी इनके अलावा कुछ और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये म्यूजिक प्रोड्यूस किए हैं हनी थ्री पॉइंट एल्बम के लिए। I wrote the whole album by myself, composed it by myself, and we have different music producers for it. Bass Yogi, Homi Dilliwala, Sanjoy, some more artists as well as a music producer. और इसके अंदर जो म्यूजिक होने वाला है वो थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, और इसके अलावा ये ओल्ड स्कूल जो बॉलीवुड मेलोडीज बनती थी उस टाइप की इसके अंदर मेलोडीज होने वाली है। यहाँ पे यूएन सिंह ने इस बात का भी खुलासा किया। 47 to first one. It's gonna blow your mind out. Trust me, my album Honey 3.0, you're gonna go crazy. Trust me, mark my words. The Honey 3.0 is full of Bollywood melodies, kind of Bollywood melodies, old school Bollywood melodies, not jo abhi chal rahi hai Bollywood melodies. And the writing as well, it's very romance and dance. एक इंटरव्यू और निकल के आया है जिसमें यूएन सिंह बता रहे हैं कि जो इनका एल्बम आने वाली है उसके अंदर 10 सॉन्ग होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 सॉन्ग होने वाले हैं, और ये जो एल्बम है उन्होंने अभी अभी तैयार किए सितंबर के महीने में। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, यूएन सिंह का जब ये पेरिस का ट्रिप सॉन्ग शूट हो रहा था, टीना जी के साथ उनकी जब केमिस्ट्री बन रही थी, उसके बाद ही उन्होंने प्लान बनाया कि वो लव में चले गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सॉन्ग्स बनाने चालू किए लव सॉन्ग। तो मतलब इतनी जल्दी सॉन्ग्स बनने के बाद फरवरी में वो सॉन्ग्स आने भी वाले हैं, तो यहाँ पे उस सारे सॉन्ग की शूट की प्लानिंग भी चल रही है दोस्तों। तो ये क्लिप देख लीजिए, बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। नई एल्बम इसी महीने सितंबर में बनाई है जिसमें 10 गाने हैं टोटल। मैंने 38 गाने एक महीने में लिखे हैं जिसमें से मैंने 10 गाने शॉर्टलिस्ट किए हैं। मेरी थर्ड एल्बम है ये, 9 साल बाद एल्बम आ रही है देसी कलाकार के बाद, सोलो एल्बम है। पूरे गाने मैंने लिखे, मैंने कंपोज किए हैं और खुद ही गाए हैं, और जिसमें म्यूज़िक बीट्स हैं बेस योगी होमी दिल्ली वाला की, और दोनों नए लड़के हैं मेरी टीम में और अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। और ये एल्बम जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी।